ब्रह्मास्त्र फिल्म 15वां दिन आखिरकार इसके ऑक्युपेंसी रिपोर्ट्स कितने देखने को मिल रही है, किन किन शहरों में किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आप लोग को बता है कि 75 रुपये का दिन चल चुका है। जी हाँ, 75 रुपये में आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में, बेशक जिसको लेकर फाइनली आप लोग हालात देख सकते हैं। हालात किस तरह की देख सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। ब्रह्मास्त्र फिल्म 9 सितंबर के दिन रिलीज हुआ था, आज है 23 सितंबर। जी हाँ, ये फिल्म का 15वां दिन है और 23 सितंबर मतलब आज के दिन भी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है चुप। जी हाँ, सनी देओल की फिल्म है चुप, जिसका भी टिकट प्राइस 75 रुपये है। बट बात करें उस फिल्म को लेकर, तो वो तो 75 रुपये है, वो अपना कमाल दिखा रहा है। बट अगर बात करें ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर, तो ब्रह्मास्त्र फिल्म 15वां दिन जो धमाल मचाया है वो चुप फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस मामले में, वो आप लोग मैं अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हो 23 सितंबर का किस तरह का टिकट बुक हुआ है, कहां पे, दिल्ली NCR हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, या चेन्नई हो, पटना, लखनऊ, जहां भी देख लो आप लोग, हर एक शो हाउसफुल गई है, हर एक शो हाउसफुल। जिस तरह की इसके टिकट धड़ल्ले बुक हो रही है, आज की जो रिपोर्ट सामने आई है 1.5 मिलियन इसके टिकट बुक हुए हैं, 15 लाख से ऊपर टिकट सोल्ड हो जा चुका है 75 रुपये वाला। और इसको देखते हुए आज की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट 100% देखने को मिल रही है, 100% मतलब एक तरह से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र फिल्म की पहले दिन भी इतना कमाल धमाल नहीं मचा पाया था जितना 15वां दिन धमाल मचा रहा है, क्योंकि इसके टिकट प्राइस को लेकर, जहां पे इसकी टिकट प्राइस 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 थे, वहां पे इसकी टिकट प्राइस ओनली 75 रुपये है। तो बेहद तो असर तो देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर, अपना अपना ओपिनियन जरूर दें। 100% ऑक्युपेंसी के साथ धमाल मबाल मचा रहा है ये फिल्म 15वां दिन। बाकी इसके कलेक्शन के बारे में बात करें, जहां पे इसके टिकट प्राइस जहां तक 500, 1000, 1500 थे, 200, 300 थे, तहां पे आखिरकार इसके टिकट प्राइस 75 रुपये हैं। तो बेशक इसके कलेक्शन थोड़ा कम आएगा, मगर पिछली अगर रिपोर्ट की बात करें, जिस तरह की इसकी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रहा था, तो उससे बड़ा उछाल लेगा इसके कलेक्शन में। आज की कलेक्शन रिपोर्ट काफी हाईली आएगी, काफी गजब की आएगी, जिसे आप लोग देखकर चौंकेंगे। बाकी अगर आप लोग ने टिकट नहीं बुक की है तो टिकट फटाफट बुक करें। बहुत सारे लोग ने तो इस फिल्म को 5-5 बार, 10-10 बार देखने गए हैं और लगातार देखने जाने वाले हैं। वाले इस तरह की हालात देखने को मिल रही है। तो बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसकी, आज की कलेक्शन पे आप लोग का क्या रिएक्शन होना चाहिए, किस तरह की आज की कलेक्शन कर सकती है फिल्म वर्ल्ड वाइड, इस पर अपना अपना ओपिनियन जरूर। मिलते हैं अगले अपडेट में जो होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग। और एक बात जरूर जानते जाइएगा कि आखिरकार ब्रह्मास्त्र फिल्म अभी जितने सारे फिल्म रिलीज हो रहे हैं आसपास में, सारा को धो डालेगा। ये बात मैं आप लोग को लिख कर बता रहा हूं, जितने भी फिल्म रिलीज हो रहे होने वाली है आसपास में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र फिल्म का एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रही है। बाकी बात करें ब्रह्मास्त्र फिल्म के अच्छे खासे रिव्यू, अच्छे खासे रिएक्शन पहले से ही आ गई थी, और एक तरह से एक बहुत बड़ी तोहफा भी दे दिया गया, 75 रुपये में आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं, तो एक अलग ही मजा आ गया। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपना अपना ओपिनियन जरूर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में।